बात करेंगे यहाँ से अब कॉटन की। तो M6 कॉटन में हमने यहाँ पर 43,000 के ऊपर कॉटन को सस्टेन होते हुए देखा है। हालांकि जो निशान है कॉटन में वो लाल निशान ही देखने को मिल रहा है, लाल निशान के साथ ही कॉटन प्राइसेस ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। दूसरा, जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसने भी अपने कॉटन 2021-22 के कॉटन के उत्पादन अनुमान में कटौती की है, इसका भी असर कहीं ना कहीं मार्केट पर पड़ा है। तीसरा, विदेशी बाज़ार तेज हैं जिसकी वजह से हमने कॉटन के जो प्राइसेस हैं इंडिया में तेज होते हुए देखे थे। चौथा जो कारण है कॉटन में तेज़ी का, वो है भारत की कपास मिलों में ठीक ठाक मांग होना। तो कॉटन के जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी मिलों की तरफ से ठीक ठाक ही देखने को मिले हैं। कपास की जो फसल है 2021 में भारी बारिश की वजह से, पिंक बॉल वॉर्म आर्मी की वजह से ख़त्म होती हुई नज़र आई थी, नष्ट होती नज़र आई थी। उसका असर भी कहीं ना कहीं कपास की कीमतों पर पड़ा था। किसानों ने भंडारण कर लिया था, स्टॉक कर लिया था, जिसकी वजह से अब जाके किसानों को इसका फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है सीज़न के आखिरी चरण के अंदर। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वायदा बाज़ार की बात करें तो केडी एडवाइजरी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अजय केडिया जी, उनके अनुसार 15 अप्रैल के आसपास M6 कॉटन वायदा में गिरावट बननी शुरू हो सकती है, जो कि कॉटन के प्राइसेस को नीचे में 32,000 तक लेके जा सकती है। तो कॉटन में अगर कोई वायदा बाज़ार में ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा कॉशियस हो जाएं, थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करें, ऐसा अजय केडिया का कहना है। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।